हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप बहुत ज्यादा मजे में होगे। और आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज है 16 अक्टूबर 2019 और आज रिलीज होने थे Amazon के नए Alexa डिवाइसेस। और मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस, पहला है Echo Dot और दूसरा है Amazon Echo। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Echo Dot के बारे में। नया Echo Dot यहाँ पे आ चुका है, फोर्थ जनरेशन नहीं है, थर्ड ही जनरेशन है। यहाँ पे नई चीज जो मिलती है वो है LED क्लॉक, और क्या क्या है इसमें नए फीचर्स और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, इसी के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। और अब करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको बताता हूं आपको ये वाला डिवाइस लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं इसको इस बैग के अंदर से। बैग काफी बड़ा, हर बार जो पैकिंग होती है वो इसी तरीके की होती है। जब थर्ड जन वाला हमने किया था Echo Dot तो सेम इसी तरीके का एक पॉली बैग सा था। तो इसको निकालते हैं और यहाँ पे है हमारे पास बॉक्स Echo Dot का, और ऊपर ही आपको दिख रही होगी LED क्लॉक। यही है इस वाले Echo Dot का नया फीचर। और अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसा हमें Alexa की पैकेजिंग में दिखता है। Alexa इज हैप्पी टू हेल्प। और यहाँ पे आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे जो पैकिंग है थर्ड जेन से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अलार्म क्लॉक की तरह आप इसको ज़्यादातर यूज़ करोगे। इसलिए इन्होंने जो विजुअली भी आपको दिखाया वो यही दिखाया है कि बेड के साइड पे आपने रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले बॉक्स को आप खोल लेते हैं, और यहाँ पे एक होगी सील जिसको हमें निकालना है। और खुल गया है बॉक्स। और यहाँ पे एक नई चीज़ जो मुझे ऊपर की साइड देखने को मिली, पहले जो यहाँ पे बॉक्स आता था यहाँ पे लिखा होता था Amazon, बट यहाँ पे अब सिर्फ लोगो है। और अब खोलते हैं बॉक्स को, निकालते हैं अपने डिवाइस को बाहर। और इस बार जो मैंने मंगाया है वो मैंने मंगाया है सैंडस्टोन कलर में। चार कलर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नए वाले Echo Dot में। ये वाला जो आप देख रहे हो ये है सैंडस्टोन, इसके अलावा मिलता है चारकोल जिसको आप ब्लैक भी कह सकते हो, उसके अलावा एक ग्रे कलर में आता है और एक आता है प्लम। मैंने इस बार ऑप्ट किया है यहाँ पे सैंडस्टोन के लिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी डिवाइसेस मैंने मंगाए हैं वो चारकोल में ही मंगाए हैं, तो मैंने सोचा इसको डिफरेंट थोड़ा सा करते हैं। और यहाँ पे है हमारा डिवाइस, तो इसको साइड रखते हैं, पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, उसके बाद डिवाइस को ऑन करेंगे, सेटअप करेंगे और आपको बताऊंगा लेना चाहिए या नहीं। तो नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट मैनुअल्स देख रहे होंगे, हेलो Echo Dot विद क्लॉक। और यहाँ पे मैं बॉक्स की बात करूँ, प्रोडक्ट मैनुअल की बात करूँ, सब जगह पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है वो है विद क्लॉक, क्योंकि इस वाले Echo Dot में जो नई चीज़ है वो है क्लॉक। उसके अलावा सारी चीज़ें थर्ड जेन वाली हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये है प्रोडक्ट मैनुअल और नीचे होगा यहाँ पे चार्जर। पिछली बार 15 वॉट वाला था, इस बार देखते हैं। तो इस बार भी सेम है और इस बार वाइट कलर में है, मे बी क्योंकि मैंने सैंडस्टोन लिया है इसलिए मुझे वाइट मिला है। जो पिछले साल वाला था वहां पे मुझे ब्लैक चार्जर मिला था और 15 वॉट है या कितना, और यहाँ पे भी आपको 15 वॉट वाला ही चार्जर मिलेगा। तो यहाँ पे पिछले साल वाले थर्ड जेन की तरह ही सेम चीज़ है, DC सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो Echo Dot सेकेंड और फर्स्ट आता था वहाँ पे हमें micro USB मिलता था। तो अब इसके रैप को निकालते हैं और यहाँ से बस पील ऑफ करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने है आपका नया Echo Dot। और यहाँ पे Echo Dot हो चाहे हो Google Home Mini, उसका भी नया वर्जन आ रहा है। अगर मैं Google Home Mini की बात करूँ, उसका नाम अब Nest Mini हो गया है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका भी रिव्यू आ जाएगा। इनमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इनका मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा आपको शोशेबाजी नहीं दिखती है, सिंपल से चार बटन है। ये है वॉल्यूम कंट्रोल्स, यहाँ पे है Alexa को चलाने के लिए, अगर आप इसको दबा के रखते हो तो कमांड दे सकते हो Alexa बोलकर। और यहाँ पे है आपके माइक को म्यूट करने के लिए। और इस वाले में भी पिछले वाले Echo Dot की तरह चार फार फील्ड माइक्स आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ सेम ही है यहाँ पे फैब्रिक वाला डिज़ाइन। और अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे है आपका पावर सप्लाई के लिए, और इस साइड पे है 3.5 mm वाला ऑडियो आउट। और अब इसको कनेक्ट करते हैं पावर से और आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो अपना Echo Dot। तो अब करते हैं इसको ऑन और लगाता हूँ इसका पावर सप्लाई, और अब यहाँ पे Alexa बोलेगी वेलकम या कुछ, और आपको यहाँ पे लाइट्स दिख रही होंगी रिंग में। Hello. Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. और नीचे क्योंकि यहाँ पे आपको LED क्लॉक मिलता है तो नीचे यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है, आजा भाई। और ये देख सकते हो आप, तो यहाँ पे अब आपको LED क्लॉक मिलता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अब Alexa ऐप को खोल लेते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सेटअप करना है Amazon Alexa। कोई भी डिवाइस अगर आप Alexa वाला लोगे तो सेम तरीके से सेटअप होगा। मैंने पहले भी ये वाली वीडियो बनाई है, एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ अगर आप पहले वाले में नहीं जाना चाहते हो। तो यहाँ पे है मेरे पास Amazon Alexa की ऐप, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पे ओपन हो जाएगी Amazon की Alexa ऐप। जैसे ही आपके पास कोई भी Alexa डिवाइस होगा आपको ये वाली जो ऐप है इसको डाउनलोड करना है,
और यहाँ पे आप देख सकते हो लेट सेटअप योर एको डॉट, तो मुझे कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस को सर्च करेगा, और अभी वाईफाई को सर्च कर रहा है। वाईफाई के बगैर ये नहीं चलेगा। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हॉटस्पॉट से चला सकता हूँ या नहीं। हॉटस्पॉट से कुछ देर के लिए आप चला सकते हो, बट इसको वाईफाई जरूरी है। वाईफाई अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज इसको मत खरीदिए, पहले आपको वाईफाई चाहिए अगर आपको कोई भी ऐसा डिवाइस यूज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना वाईफाई सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है 5G। तो आप देख सकते हो डिवाइस हो गया है रेडी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो नीचे टाइम भी आ रहा है 5:24। अगर एक बार मैं आपको चेक कर दिखाऊं, अलेक्सा हाउ इज द वेदर इन न्यू दिल्ली राइट नाउ? इन न्यू दिल्ली इंडिया इट्स 74 डिग्रीज फारेनहाइट विद मोस्टली क्लियर स्काइज। और नीचे यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख के आ रहा था with a high of 91 degrees and a low of 70 degrees. जो इस वाले एको डॉट की स्पेशल चीज है वो है इसकी क्लॉक, और इसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो और काफी सारी चीजें और भी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको एलईडी क्लॉक मिलती है, और आप इसको यूज ज्यादातर करोगे अपने बेड के साइड पर, तो अब आप इसके ऊपर अलार्म भी लगा सकते हो। और अलार्म को अगर आपको स्नूज करना है तो आपको बस इस तरीके से टैप कर देना है, और आपका जो अलार्म है वो 9 मिनट के लिए स्नूज हो जाएगा, 9 मिनट के बाद बजेगा। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है अगर आप इसको बेड साइड पर यूज करना चाहते हो। ज्यादातर जो लोग हैं इसको बेड के साइड पर ही यूज करेंगे, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग जो एलेक्सा को यूज़ करते हैं वो करते हैं टाइम या वेदर पूछने के लिए। और अब यहाँ पे टाइम आपको सारा टाइम दिखता रहेगा, और एलईडी क्लॉक है, इसका आप जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक, शायद कुछ और टिप्स भी आएंगी। और जब आप लोग सेटअप करोगे तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ रखने वाले हो, तो मैं इसको रखने वाला हूँ ऑफिस में। तो मैं करता हूँ ऑफिस पे क्लिक, और कर देना है कंटिन्यू। अगर आप इसको बेडरूम में रखना चाहते हो, किचन में, आप वहां पे क्लिक करोगे, उसके बाद करोगे कंटिन्यू। और वीडियो अभी मैं बना ही रहा हूँ तो एक चीज आपको दिखाता हूँ, जब आप वॉल्यूम भी अप या डाउन करोगे तो आप देख सकते हो ये नई चीज है, क्योंकि क्लॉक की वजह से ये सब अब पॉसिबल है। तो यार इन चीजों के लिए लेना तो बनता है एको डॉट को। और यहाँ पे अभी हम लोग ऐप के अंदर हैं, तो वहां पे क्या होगा, काफी सारी चीजें आपको मिलती हैं। यहाँ से आप ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो, बट ऑडियो के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इस एलईडी क्लॉक के बारे में, इसकी जो ब्राइटनेस है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बताया था स्नूज करने के लिए अलार्म को, कि इस तरीके से आपको टैप करना है, तो वो वाला जो जेस्चर है यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा, मैंने कर लिया है। और अगर मैं डिस्प्ले के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे है डिस्प्ले, और अभी यहाँ पे क्या है, अडेप्टिव ब्राइटनेस है, जो कि आपके माहौल के हिसाब से इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा करेगा, क्योंकि आप नहीं चाहोगे रात को आप सो रहे हो और इसकी ब्राइटनेस फुल हो और उसकी वजह से आपकी नींद खराब हो, कमरे में लाइट रहे। तो अगर रात के टाइम आप इसकी ब्राइटनेस कम करना चाहते हो ऑटोमेटिक, तो आपको जो ये फीचर है अडेप्टिव ब्राइटनेस इसको ऑन कर देना है। बट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा मैनुअली, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको स्लाइडर दिख रहा है ब्राइटनेस का, यहाँ पे है स्लाइडर जिसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं एलईडी की ब्राइटनेस को। एक बार मैं फुल कर देता हूँ इसको, और अभी है एकदम फुल पे जो हमारी ब्राइटनेस है। और यहाँ से आप जो क्लॉक का फॉर्मेट है उसको भी चेंज कर सकते हो 24 आवर में या 12 आवर में, तो मैं 12 आवर में ही रहने दूंगा। 24 करेंगे तो ये आ जाता है जो दिमाग लगाना पड़ता है, तो इतना दिमाग नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपने यहाँ पे देखी अनबॉक्सिंग और सेटअप नए वाले एको डॉट का। ये वाला जो एको डॉट है एकदम सेम है पिछले वाले थर्ड जनरेशन एको डॉट की तरह। अगर आपने उसकी वीडियो या अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप उस पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो एको डॉट है मैंने उसको पिछली वाली जो जनरेशंस हैं उनके साथ भी कंपेयर किया था, और उसके साथ साथ गूगल होम मिनी जो आता है उसके साथ भी कंपेयर किया था कि किसकी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे ये वाला जो एको डॉट है ये फोर्थ जनरेशन नहीं है, ये थर्ड जनरेशन ही है। यहाँ पे जो नई चीज़ आपको मिलती है वो है एलईडी क्लॉक, जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको इस वीडियो में बताया ताकि कोई भी डाउट ना रहे। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, वही सेम 4 फारफील्ड माइक्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा फैब्रिक वाला डिज़ाइन जैसा आपको थर्ड जेन में मिलता है, ये भी थर्ड जेन ही है। आपको मेरे पीछे यहाँ पे अलेक्सा दिख भी रहा होगा, तो ये भी थर्ड जेन ही है, बस यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दी है एक नई क्लॉक जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर मैं इस वाले डिवाइस के प्राइस की बात करूँ इंडिया और US दोनों जगह की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं USA की। USA में जो थर्ड जेन वाला एको डॉट है उसका प्राइस है $49, और यहाँ पे जो नया वाला एको डॉट अभी ये आया है जिसकी आज हमने की है अनबॉक्सिंग, इसका प्राइस है $59, जो कि टैक्स के बाद $65 का पड़ जाता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने चेक किया था जो थर्ड जेन वाला अभी है उसका अगर मैं प्राइस देखूं, मैंने मोबाइल में लिखा हुआ है, तो उसका प्राइस है 4500, बट अभी डील चल रही है इंडिया में अमेज़न के ऊपर, तो आपको पड़ जाएगा 2449 रुपीज़ का,
जो कि एक बहुत ही कमाल की डील है। अगर मैं नए वाले एको डॉट की बात करूं तो इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है 5500 और अभी कोई भी डील नहीं चल रही है। 1000 रुपए ज्यादा महंगा है पिछले साल वाले एको डॉट से। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो $10, तो वही ये पता नहीं क्या कंपनीज का हिसाब है, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही $10 यहाँ पे महंगा है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूंगा जरूर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे एलईडी क्लॉक आपको चलती हुई दिख ही रही होगी अलेक्सा के ऊपर, और अगर आपको अलेक्सा की आवाज अभी तक नहीं आई तो एक बार चला के देखते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपके अलेक्सा को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अलेक्सा, व्हाट्स द टाइम? द टाइम इज 5:45 PM। काफी ज्यादा लाउड है जो इस साल का अलेक्सा है। पिछले साल वाला जो थर्ड जन भी था वो भी बहुत ज्यादा लाउड था। तो अगर आप एक अलेक्सा डिवाइस लेने का सोच रहे हो और लेना चाहते हो एको डॉट, तो आप ले सकते हो। बट एक मेरी एडवाइस है, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ क्योंकि अमेजन का डिवाइस है और अमेजन पे हर एक महीने के बाद इनके ऊपर डील आती रहती हैं। जो यहाँ पे पिछले साल वाला एको डॉट है वो 2500 का मिल रहा है, उसका यूजुअल प्राइस 4500 होता है। एंड मैं गारंटी देता हूँ यूएस के अंदर, तो क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाला है 29th of November को, तो इसका प्राइस जो है वो $20-25 जाने वाला है। अभी चाहे 59 होगा, बट ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लो चले जाता है। तो वेट करो, सेल आएंगी, सेल में आप इसको सस्ते में ले सकते हो। बट अगर आप हो मेरी तरह जिनको पहले दिनों में ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप ले सकते हो। बहुत ही कमाल का डिवाइस है। एंड आई होप आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी मेरी वीडियो नए वाले एको डॉट की। इस साल 16 तारीख को लॉन्च हुआ है, पिछले साल जो एको डॉट था वो हुआ था 11 अक्टूबर को, तो 5 दिन लेट है इस साल। और इस वीडियो के थोड़ी देर के बाद ही आ रही है नए वाले अमेजन एको की। पिछले साल ये वाला जो डिवाइस है इसको अपग्रेड नहीं किया था, बट इस साल आ गया है 3rd Gen Amazon Echo। इसकी जो वीडियो है थोड़ी देर के बाद ही आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक छोटे से लाइक से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी नए नए डिवाइसेस आपके लिए लेके आता रहूं। और आने वाले दिनों में काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग, काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं आपके लिए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।